समंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य तलाक से पहले साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर और परफेक्ट कपल्स में से एक हुआ करते थे, लेकिन दोनों एक्ट्रेस के तलाक ने उनके फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। फैंस उनके तलाक के कई महीनों बाद तक दोनों के दोबारा साथ आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि दोनों की शादी के समय सिर्फ इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग ही नहीं बल्कि परियों की कहानी जैसी उनकी लव स्टोरी की भी चर्चा जोरों पर थी। अगर दोनों आज साथ होते तो अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मना रहे होते। ऐसे में हम आपको समंथा और नागा चैतन्य की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। साउथ की पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक समंथा रुथ प्रभु की प्रोफेशनल लाइफ से लेकर निजी जिंदगी तक हमेशा चर्चाओं में रहती थी। आज नागा चैतन्य से वो भले ही अलग हो चुकी हूँ, लेकिन एक समय था जब दोनों की फिल्मों से ज्यादा उनकी लव स्टोरी सबकी जुबा पर हुआ करती थी। नागा चैतन्य और समंथा रुथ प्रभु की पहली मुलाकात फिल्म ये माया चेस्वे के सेट पर 2009 में हुई थी। फिल्म की स्टोरी में दोनों ने एक मॉडर्न लव की परिभाषा को बताया था। ताज्जुब की बात तो यह है कि जब ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे तो किसी और को डेट कर रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान चैतन्य एक्ट्रेस श्रुति हासन को डेट कर रहे थे और समंथा एक्ट्रेस सिद्धार्थ को पसंद कर रही थी। पहले नजर का प्यार ना सही, लेकिन फिल्म के सेट पर दोनों की दोस्ती जरूर हो गई थी। फिल्म ये माया चेस्वे के सेट पर हुई दोस्ती के पूरे 6 साल बाद दोनों फिर एक बार फिल्म के सेट पर टकराए, लेकिन तब तक दोनों का ही अपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो चुका था। इस फिल्म में दोनों ने दोबारा साथ काम किया था और इसी दौरान उनके बीच प्यार की शुरुआत हुई थी। फिल्म के खत्म होते होते ही समंथा और नागा चैतन्य के अफेयर की चर्चा जोरों पर होने लगी थी। देखते ही देखते दोनों के अफेयर के चर्चे जोर पकड़ने लगे थे। साल 2016 में दोनों एक साथ वेकेशन पर गए थे, जहां नागा चैतन्य ने बेहद रोमांटिक अंदाज में अदाकारा को प्रपोज किया था और समंथा ने हामी भी भर दी थी। इसके बाद सबके चहेते इस स्टार कपल ने तमाम अफवाहों और अटकलों पर विराम लगाते हुए साल 2017 में बेहद रॉयल अंदाज में शादी कर ली थी। साल 2017 में दोनों ने 6 अक्टूबर को व्हाइट वेडिंग की थी और 7 अक्टूबर को हिंदू रीति रिवाजों के साथ एक दूसरे के हो गए थे। देखा जाए तो इनके रिश्ते की शुरुआत साल 2009 से ही हो चुकी थी, लेकिन सबसे फेवरेट कपल होने के बावजूद इनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका और आपसी सहमति से दोनों ने साल 2021 में अलग होने का फैसला कर लिया था। समंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने 2 अक्टूबर 2021 को अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। दोनों अक्सर एक दूसरे के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब दोनों ही अपने अपने जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं। कैसे लगी आपको समंथा और नागा चैतन्य की ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।